हे hey देखो पेनी स्टॉक तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे लेकिन मैं डिविडेंड देने वाले पेनी स्टॉक्स में आपको बताने की कोशिश करता हूं क्योंकि देखो डिविडेंड देने वाले पेनी स्टॉक्स क्यों बता रहा हूं जो कंपनी आपको ज्यादा डिविडेंड दे रही है बींग ए पेनी स्टॉक्स मतलब समझो कंपनी के पास कैश काफी अच्छा होगा रिजर्व भी काफी अच्छा होगा कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा होगा जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो काफी अच्छा जनरेट हो रहा है तभी तो कंपनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड आपको पैसे दे रही है आपके बैंक अकाउंट में समझने की कोशिश कीजिए बींग ए पेनी स्टॉक पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी आपको आपके बैंक अकाउंट में पैसे ला दे रही है मतलब मतलब उनके बिजनेस में कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है देखो देखो पेनी स्टॉक्स और तो बड़े स्टॉक्स में फर्क क्या होता है कि भाई पेनी स्टॉक्स बहुत छोटे होते हैं और देखो एक पेनी स्टॉक है समझ रहे हो ये बहुत छोटी कंपनी है और ये बड़ी कंपनी है तो बड़ी कंपनी के पास सब कुछ पैसा बड़ा होता है सोर्स बड़ा होता है मैन इन, इनके पास मैन पावर बड़ा होता, होता है रिसोर्सेस बड़े होते हैं मार्केट बड़े होते हैं लेकिन छोटी कंपनी में इसको कोई नहीं पूछता कोई भी आके इसको लात मार के चला जाता है लेकिन अगर ये छोटी कंपनी और ऊपर से मजबूत है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो मतलब ये आने वाले दिनों में भी ये बड़ी बन सकती है क्यों नहीं बन सकती है बन सकती है ना देखो खरीदना ना खरीदना बात की बात है और हर चीज़ खरीदने के लिए नहीं होता कुछ चीज़ सीखने के लिए भी होता तो ये वो पेनी स्टॉक है जो आपको दो परसेंट तक का डिविडेंड निकाल के देती है और कंपनी इतनी छोटी है इतनी छोटी है कि मतलब क्या बोलें छोटे छोटे आप इस कंपनी को पेनी स्टॉक छोड़ के छोटे छोटे बुलाना स्टार्ट कर दोगे ये आपको पता चल रहा है कि भाई इनके पास सेटिस्फाइड कस्टमर कितने हैं कस्टमर के साथ साथ एम्प्लॉय कितने हैं अवार्ड कितने मिले हैं और इनके पास जैसे कि अगर आप देख लोगे तो जैसे कि इनके पास कुछ अच्छे अच्छे क्लाइंट भी देखने को मिल रहे हैं पावर ग्लाइड हो जाएगा गोदरेज वगैरह हो जाएगा पावर ग्लाइड तो ये कुछ कस्टमर भी है कंपनी के पास यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बोलूँगा कि आप देख सकते हो कंपनी का नाम है ग्रीक वायर यहाँ पर देख सकते हो लिमिटेड वन ट्वेंटी फोर रुपीज़ में आपको देखने को मिला हो, केवल एक सौ चौबीस रुपये पंद्रह पैसे में देखने को मिला पंद्रह पैसे का भी वैल्यू याद रखिएगा क्योंकि भाई जो स्टॉक अच्छा होता है पता है ना उसको पंद्रह पैसे भी नहीं छोड़ते हैं तो वो चीज़ हो जाती है कंपनी केवल सौ करोड़ की है वन ट्वेंटी नाइन करोड़ की कंपनी और ये कंपनी आपको दो परसेंट से भी ज़्यादा डिविडेंड निकाल के देती है देख लीजिए दो परसेंट से भी ज़्यादा डिविडेंड निकाल के देती है और इसका पी भी इलेवन है मतलब कंपनी भी बहुत ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं है क्वार्टरली इंप्रूवमेंट देखिए यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट में आपको बताया जा रहा है ये क्वार्टरली इंप्रूवमेंट है हर बार कंपनी का जो है सेल्स बढ़ता जा रहा है अब जब सेल्स बढ़ेगा तो थोड़ा थोड़ा कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा ये आपको जो येलो कलर का दिख रहा है ये यहाँ पर आपको बताया जा रहा है रेवेन्यू और नेट इनकम बताया जाता है इसको थोड़े बहुत सही से देखना पड़ेगा बाकी आप नंबर्स में भी यहाँ पर देख सकते हो ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए पता चल जाए कंपनी का बैलेंस शीट आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर कंपनी का बैलेंस शीट के पास देखो कंपनी के पास असेट भी काफ़ी अच्छे हैं लेकिन कंपनी के पास लाइविलिटी भी है कंपनी लाइविलिटी लेके काम कर रही है यहाँ पर लेकिन फिर भी कंपनी का बुक वैल्यू फिफ्टी फिफ्टी या सिक्सटी रुपीज़ के बाजू में है और कंपनी का शेयर थोड़ा ऊपर है लेकिन फिर भी देखो बहुत सारी कंपनी है जो लाइविलिटी लेके काम करती है उसके बावजूद भी कंपनी के पास देखोगे तो थर्टी सिक्स करोड़ तक का तो रिजर्व है कंपनी के पास कैश भी है कंपनी के पास कैश भी है देख सकते फोर्टीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी नाइन और आज के डेट में थर्टी सिक्स करोड़ का रिजर्व कंपनी रखी है मतलब छोटी सी कंपनी है लेकिन भाई मतलब थोड़ी मजबूती लेके चल रही कंपनी देख लीजिए और दो बेनिफिट है कंपनी के पास कैश एंड कैश एक अगर आप देखो वो तो कंपनी के पास नाइन पॉइंट एट फाइव करोड़ मतलब दस करोड़ का कैश है और कंपनी के पास ट्रेड रिसिवेबल देख लीजिए सिक्सटी वन पॉइंट फोर फाइव करोड़ का है मतलब अगर यहाँ पर निकाल अगर ले भी लेते हैं तो सेवेंटी करोड़ इधर हो जाता है भाई और थर्टी थर्टी सिक्स करोड़ तो रिजर्व है तो मान लेते हैं तो भाई सौ करोड़ तो कंपनी का आराम से कोई टेंशन वाली बात नहीं है वन थर्टी सिक्स करोड़ कंपनी का आपको देखने को मिला है क्या बोलते हैं मार्केट कैप देखने को मिल मिला तो कंपनी कम, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इस वजह से तो कंपनी आपको दो परसेंट से भी ज़्यादा डिविडेंड निकाल के देती है परमोटर्स के पास सिक्सटी परसेंट हिस्सेदारी है परमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी फिर से बढ़ाई है यहाँ पर और कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट भी कर रही है सौ करोड़ की कंपनी होकर कंपनी ने छः करोड़ का सेल्स कर दिया है छः करोड़ का नेट प्रॉफिट कर दिया जो कि अब तक का सबसे हाई है बीच बीच में कभी कभी कंपनी का प्रॉफिट गिर भी जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं है छोटी कंपनी है चलेगा हाँ कंपनी पर थोड़ा बहुत डेट भी है कंपनी पर थोड़ा बहुत डेट भी है 85 करोड़ तक का कर डेट है लेकिन इतना कंपनी के पास रिजर्व है कैश है ट्रेड रिसिवेबल है कोटेंशन वाली बात नहीं कंपनी अपने आप को संभाल लेगी यहाँ पर अगली बार मैं आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा जो कंपनी आपको डिविडेंड भी देती हो और साथ में वो डेट फ्री भी हो डेट फ्री भी हो छोटी कंपनी जैसा जैसा मतलब इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा वैसे वैसे चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा टेंशन नहीं है एक स्टॉक ऐसा है दो स्टॉक ऐसा है बहुत सारे ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में मैं आपको बोलूंगा टेंशन नहीं लेना है जो स्टॉक मतलब टेंशन वाले हैं आप अच्छे फ्रेश स्टॉक के ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं और याद रखिएगा ये छोटे स्टॉक है यहां पर दस बीस रुपए मतलब डाल सकते हैं छोटे मोटे पैसे समझने की कोशिश कीजिएगा या तो फिर ना के बराबर या तो फिर नहीं डालना ये छोटे स्टॉक है ये कल के डेट में आपका पैसा दस रुपये से दस हज़ार कर देंगे और नहीं तो दस हज़ार को दस रुपये भी कर देंगे छोटे स्टॉक है ठीक है और अगर, अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपने डिमिट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो जहाँ पर आपका डिमिट अकाउंट बिल्कुल फ्री रहेगा डिलीवरी चार्जेस भी फ्री रहेगा केवल ट्वेंटी रुपीजी लगेगा वो भी इंट्रा डेमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है मिनटों में जाकर अपने डिमिट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में